जय हिंद साथियों, आज हम अपने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो हमारी ये क्लास है, अगली क्लास है, वह है मूल विधि की। इसमें हमने चर्चाएं की अभी तक भारतीय दंड विधान 1860 की, आईपीसी 1860 की जो चर्चा है हमारी चल रही है। चर्चाएं अभी तक हमने की अपराध, अपराध के स्तर, अपराध के तत्व, आरोपी, अभियुक्त और अपराधी क्या होते हैं, इसकी चर्चा की। और फिर चर्चा की कि यह आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हुई, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के अन्य भागों में है, यही इसी के आईपीसी के उपबंध लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता चलती है, इन सब बातों की चर्चा की। और उसके अलावा कुछ प्रमुख धाराओं को हमने देखा, और पिछली कक्षा में एक प्रमुख धारा की हमने चर्चा की थी, जो था आईपीसी 34, जो सामान्य आशय से संबंधित है। आईपीसी 34 सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय से मतलब है कि मैं पहले आता हूं, सामान्य आशय है क्या और इसमें अपराध किस तरीके से घटित होते हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में जो है व्यापक चर्चा की थी इस संबंध में, और जल्दी जल्दी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो शर्तें हैं, सबसे पहले ये हैं कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, शामिल होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों के मध्य पूर्व सहमति होती है, वो कार्य करने की, वो अपराध करने की पूर्व सहमति होती है। पूर्व सहमति होती है। ये बातें अभी तक जो है हम लोगों ने देखी कि आईपीसी 34 जो सामान्य आशय से संबंधित है, इसमें जो अपराध घटित होते हैं उसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों के मध्य उस अपराध को करने के लिए, अपराध करने से पूर्व सहमति होती है, और यही वास्तव में सामान्य आशय का सीधा सीधा मतलब है कि अपराध करने से पहले उनके बीच बनी सहमति, वही है सामान्य आशय। तो इसमें हमने देखा कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वही उस पर धारा 34 आईपीसी के उपबंध लागू होते हैं। कि जैसे एक दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में पूर्व सहमति बनी कि किसी तीसरे व्यक्ति की हत्या की जाए, और एक व्यक्ति ने उसका रास्ता अवरुद्ध किया कि ताकि हम जान से मार दें, और दूसरे व्यक्ति ने उस पर अपने तमंचे से फायर कर दिया और तीसरे व्यक्ति की मौत हो गई। तो दो व्यक्ति, एक वो जिसने तमंचे से फायर किया और एक वो जिसने उसका रास्ता अवरुद्ध किया ताकि उसको जान से मार दिया जाए, इन दोनों के बीच में जो पूर्व सहमति है उस पर धारा 34 के
उपबंध लागू होंगे और ऐसा समझा जाएगा कि भले ही दो व्यक्ति मान लीजिए शामिल हैं, फायर कोई एक करता है तो माना जाता है कि अगर दूसरा शामिल ना होता तो यह अपराध घटित ना होता, इसलिए दूसरा भी उतना ही दोषी है जितना कि गोली चलाने वाला। अर्थात दोनों व्यक्ति जो है वो सामान्य आशय से अभिप्रेत हैं और इनके मध्य जो पूर्व सहमति है उसी का मतलब है सामान्य आशय और उनके ऊपर आईपीसी 34 के उपबंध लागू होंगे। इसमें एक दो अपवाद हैं, जैसे अपवाद नहीं सॉरी ये केस लॉ है जो सामान्य आशय से संबंधित हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, और वो है महबूब शाह बनाम इम्पर। यह अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि महबूब शाह बनाम इम्परर जो वाद है वो किससे संबंधित है और आपके पास जो है वो विकल्प के रूप में इस तरीके से विकल्प आते हैं, मैं चर्चा कर लेता हूं जल्दी जल्दी ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इस पर आप बहुत आसानी से हल कर लें। मान ली एक विकल्प दो तीन चार, मान ली ऐसे चार विकल्प आते हैं और पूछा जाता है कि महबूब शाह बनाम इम्परर किस वाद से संबंधित है, वाद और ये प्रश्न आता है और आपके सामने चार विकल्प रहते हैं कि सामान्य आशय से संबंधित है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है या एक और दो दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यदि पूछा जाता है कि महबूब शाह बनाम इम्परर किस वाद से संबंधित है और विकल्प के रूप में सामान्य आशय, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, एक और दो दोनों और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, अगर ये चार विकल्प आते हैं और अगर आपने इसको पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से इसका आप जवाब दे पाएंगे और जिसका नाम है सामान्य आशय, अर्थात सामान्य आशय से संबंधित ये वाद है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में बहुत प्रश्न आते हैं, मूल विधि में केस लॉ से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं और सामान्य आशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा है 34, और चूंकि धारा महत्वपूर्ण है आईपीसी 34 इसलिए उससे ही जुड़ा ये जो वाद है यह भी महत्वपूर्ण है और इसको आप सभी याद रखेंगे आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में। और अब हम चलते हैं अपनी अगली धारा पर। ये तो था सामान्य आशय, अब हम अगली और महत्वपूर्ण धारा पर चलते हैं और वह है धारा 44। साथियों धारा जो 44 है यह क्षति से संबंधित है, क्षति जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकसान हानि, और इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आर्थिक क्षति हो, या दैहिक क्षति हो, किसी को
मार के चोट चपेट लगवा दिया गया, किसी को दो लोगों में पिटाई हुई, एक लोगों को चोट चपेट लग गया तो शरीर का नुकसान हुआ, दैहिक क्षति हो गई, या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, ख्याति संबंधी क्षति, ख्याति ख्याति संबंधी ये था क्षति। क्षति कई तरीके की हो सकती है, चाहे उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया हो, या उसको उसके सम्मान को, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाया गया हो, या उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया हो, किसी भी तरीके का जो नुकसान पहुंचाया गया हो वो क्षति के अंतर्गत आएगी, और इसी को आईपीसी धारा 44 में परिभाषित किया गया है कि आईपीसी 44 क्षति से संबंधित है, वो चाहे जिस भी प्रकार की हो। इसी में जब बात क्षति की आती है, क्षति अर्थात नुकसान की, आईपीसी 44 में, तो एक शब्द उसमें और इससे संबंधित है क्षति से, हालांकि उससे संबंधित धारा दूसरी है, लेकिन अब चूंकि क्षति की बात आई है तो इससे संबंधित जो अगला शब्द है उसका मैं जिक्र यहां कर देता हूं, और उसका नाम है रिष्टि। रिष्टि साथियों, जो क्षति है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप सबके समक्ष, कि जो क्षति है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आर्थिक क्षति हो, वो चाहे ख्याति संबंधी क्षति हो, चाहे वो दैहिक क्षति हो, चोट चपेट किसी को लग जाए, शारीरिक नुकसान हो, लेकिन जो रिष्टि है, रिष्टि आर्थिक नुकसान की बात करती है, कि जब जो क्षति है वो सिर्फ आर्थिक है, अर्थात किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि उसके उसकी मोबाइल है, उसकी मोबाइल को किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति की मोबाइल को किसी अन्य व्यक्ति ने पटक दिया, मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया, अब वो मोबाइल बनवाने जाएगा तो उसमें 2-3 हजार रुपए लगेगा, 3-4 हजार रुपए में जो है उसका डिस्प्ले बनेगा, तो जिसकी मोबाइल टूटी उसको जो नुकसान पहुंचाया गया वो था क्या, रिष्टि या आर्थिक नुकसान। यही बात रिष्टि में बतलाई गई है, और यह क्षति का ही एक पार्ट है। क्षति किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे ख्याति संबंधी क्षति है, चाहे दैहिक क्षति है, और चाहे आर्थिक क्षति है, लेकिन जो रिष्टि है, रिष्टि वो आर्थिक नुकसान की बात करती है। तो जो हमारी धारा है, धारा 44, यह सिर्फ क्षति की बात करती है, धारा जो 44 है वह क्षति से संबंधित है। और अब हम आते हैं अपनी अगली धारा पर, और यह भी एक महत्वपूर्ण धारा है आगामी परीक्षा के दृष्टिगत, और यह है आईपीसी 54। आईपीसी 54 एक ऐसी धारा है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति 302 का अपराधी है और मृत्यु दंड का दंडादेश जो है उसके समक्ष, उसके विरुद्ध मिल गया है, जो दंडादेश है वह मृत्यु दंड का है, तो धारा जो 54 है यह कहती है यह धारा कि
राज्य, राज्य के बजाय इसको हम लिखते हैं समुचित सरकार, समुचित सरकार मृत्यु दंड से दंडित, समुचित सरकार मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना भी, यहां यह नोट करना आवश्यक है कि उसकी सम्मति के बिना भी, उसकी सम्मति के बिना भी समुचित सरकार मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना भी किसी अन्य सजा में रूपांतरित कर सकता है। रूपांतरित कर सकता है अर्थात आईपीसी 54 के अनुसार समुचित सरकार मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना किसी अन्य सजा में उसकी सजा को रूपांतरित कर सकता है। यह है आईपीसी 54 भारतीय दंड विधान धारा 54 समुचित सरकार मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना भी किसी अन्य सजा में रूपांतरित कर सकता है। और आईपीसी 54 के बाद एक और धारा है जो इसी से संबंधित है, करीब करीब सजा के रूपांतरण से, और वह है आईपीसी 55। और इसमें भी कमोबेश वही बातें लिखी हुई हैं कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो मृत्यु दंड, जो आजीवन कारावास से दंडित है, समुचित सरकार किसी भी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास के दंड से दंडित है, की सजा को उसकी सम्मति के बिना भी, उसकी सम्मति के बिना किसी अन्य दंड में रूपांतरित कर सकता है, और जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की ना हो। यह बातें कही गई हैं आईपीसी 55 में कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को
जो आजीवन कारावास के दंड से दंडित है, समुचित सरकार किसी भी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास के दंड से दंडित है, उसकी सजा को उसकी सम्मति के बिना भी किसी अन्य दंड में रूपांतरित कर सकती है, और कारावास की जो अवधि है वह चौदह वर्ष से अधिक न हो। यह बातें कह दी हैं, कही गई हैं आईपीसी 55 में, अर्थात समुचित सरकार, एक बार फिर सुन लीजिए, समुचित सरकार किसी भी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास के दंड से दंडित है, उस व्यक्ति की सजा को उसकी सम्मति के बिना भी ऐसे कारावास में रूपांतरित कर सकती है जिसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक की ना हो। यह बातें कही गई हैं आईपीसी 55 में। 54 में मृत्युदंड के दंडादेश को समुचित सरकार रूपांतरित कर सकती है दूसरी सजा में, और 55 में आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति की सजा को समुचित सरकार उसकी सम्मति के बिना भी किसी ऐसे कारावास में रूपांतरित कर सकती है जिसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक की ना हो। यह बातें आईपीसी 55 में कही गई हैं। अब एक और महत्वपूर्ण धारा आती है और वह है धारा 77 आईपीसी। साथियों, भारतीय दंड विधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह अपराध की श्रेणी में नहीं आते। जैसे उन्हीं में से एक धारा है, वह है आईपीसी धारा 77, जो कहती है कि न्यायिक कार्य की हैसियत से, न्यायिक कार्य की हैसियत से न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य न्यायाधीश द्वारा किया गया, और यह कार्य कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। अपराध नहीं। यह बातें कही गई हैं भारतीय दंड विधान की धारा 77 में कि न्यायिक कार्य की हैसियत से न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य यह अपराध नहीं है। मान लिए न्यायाधीश में, न्यायाधीश महोदय न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति जो एक ही परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दिया है और वह 302 के उपबंध उस पर लागू होते हैं और वो हत्या का दोषी है, तो न्यायाधीश महोदय ने क्या किया, वो आईपीसी में निहित उपबंधों के आधार पर उसको फांसी की सजा सुना दी। तो यह कार्य जो माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया, यह न्यायालय में न्यायिक कार्य की हैसियत से किया गया है, इसलिए कानून की नजर में न्यायिक कार्य की हैसियत से न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य वह अपराध नहीं है और वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी से संबंधित साथियों एक और धारा है और उसकी भी हम यहां चर्चा कर लेते हैं, और वह धारा है 77 के बाद
78। मान लीजिए कि न्यायाधीश महोदय ने यह आदेश दिया या न्यायालय से पुलिस को किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय से आदेश मिला कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए, तो पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उस व्यक्ति के घर जाती है, उसको गिरफ्तार करती है और न्यायालय में पेश करती है। तो यह कार्य पुलिस द्वारा जो किया गया है यह कानून की नजर में अपराध नहीं होगा, जो न्यायालय की अनुमति से पुलिस द्वारा किया गया कार्य है। और यही बात धारा 78 में बतलाई गई है, भारतीय दंड विधान आईपीसी धारा 78 यही बात कहती है कि न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने में किया गया और यह कार्य भी कानून की नजर में अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। आईपीसी 78 न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने में किया गया जो कार्य है वह अपराध नहीं है, यह बातें कही गई हैं आईपीसी 78 में। न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने में जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं होगा, यही बातें बतलाई गई हैं। अब बात करते हैं एक अगली धारा की जो इसी तरीके की बातों से सहमत है कि ऐसे कार्य यदि किए जाते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। 77 न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य की हैसियत से किया गया कार्य अपराध नहीं है और 78 न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने में जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं। मान लीजिए कि न्यायालय ने आदेश दिया टीआरपीसी धारा 82 में उद्घोषणा और 83 में कुर्की की बात की गई है जो आगे हम चर्चा करेंगे जब सीआरपीसी की बात करेंगे। तो मान लीजिए न्यायालय ने आदेश दिया सीआरपीसी धारा 83 को तामील करने के लिए और कहा कि जो एक अपराधी है उसके घर की कुर्की कर दी जाए सामान की, तो पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पुलिस गई और सामान की कुर्की पुलिस द्वारा किया गया, तो यह कार्य जो न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने में किया जाता है यह कार्य कानून की नजर में अपराध नहीं होगा। अब हम आते हैं अपनी अगली धारा पर और यह धारा है धारा 82। धारा 82 कहती है साथियों कि 7 वर्ष से कम 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कार्य और यह कार्य भी कानून की नजर में अपराध नहीं होगा। 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिन्हें अपराध का बोध नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से कार्य गलत हैं,
कानून की नजर में कौन से कार्य सही हैं, कौन से कार्य गलत हैं, कौन से कार्य अपराध हैं, क्या कार्य अपराध नहीं है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इनका बोध नहीं है, अतः IPC 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड एक अगली धारा है और उसकी भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, और अगली धारा का नाम है धारा 83। आईपीसी धारा 83 7 वर्ष से अधिक किंतु बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कार्य। आईपीसी 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कार्य, और यह कार्य भी कानून की दृष्टि में अपराध नहीं होगा। और यह बातें भारतीय दंड विधान की धारा 83 आईपीसी 83 यही बात कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं होगा, यह बात आईपीसी 83 कहती है। और अब इसी तरीके की एक और धारा है, उसका भी हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं, और उस धारा का नाम है धारा 84। धारा 84 और धारा 84 आईपीसी में निहित उपबंधों के अनुसार किसी विकृत चित्त, किसी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और किसी विकृत चित्त अथवा पागल द्वारा किया गया कार्य जिसकी समझ में उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसे उसका ज्ञान नहीं है कि वह कार्य सही है या गलत, आपराधिक दृष्टिकोण से वो कार्य सही है या नहीं, वह कार्य अपराध है कि अपराध नहीं है, तो किसी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा यदि ऐसे कार्य किए जाते हैं कि पता चला कि एक व्यक्ति है, उससे बात करते करते एक व्यक्ति जा रहा है तो कोई विकृत चित्त आदमी उठाया एक पत्थर और मार दिया, सामने वाले का सर फूट गया, तो सामने वाले का सर फूट गया उसके द्वारा किए गए कार्य से यह तो अपराध है, लेकिन यदि पता चलता है कि वह व्यक्ति विकृत चित्त है और उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह कानून की नजर में अपराध नहीं होंगे, यह बातें आईपीसी 84 में कही गई हैं। तो हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लें, आईपीसी 77 से आईपीसी 77 न्यायाधीश द्वारा किया गया अपराध कार्य अपराध नहीं है, न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य जो न्यायिक हैसियत से किया जाता है वह कार्य अपराध नहीं है, और 78 आईपीसी न्यायालय का अनुसरण करने में जो किया गया कार्य है वह भी अपराध नहीं है, आईपीसी 82 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है
वह अपराध नहीं है। फिर इसके अलावा आईपीसी भारतीय दंड विधान की धारा 83 सात वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है वह भी अपराध नहीं होगा। और फिर अगली धारा है धारा 84 किसी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य है वह भी अपराध नहीं होगा। यह बातें बतलाई गई हैं आईपीसी 84 में, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। साथियों, भारतीय दंड विधान 1860 में यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है कि यदि कहीं से हमारे ऊपर हमला होता है और हमको लगता है कि हमारा प्राण अथवा शरीर संकट में है, हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कोई खतरा है, तो फिर ऐसी स्थिति में भारतीय दंड विधान 1860 नागरिकों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है कि यदि हमारे शरीर पर और हमारे प्राण लेने के इरादे से यदि कोई हमला होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम पर तमंचे से फायर करता है, इस इरादे से फायर करता है कि हमारी हत्या कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में अपने शरीर और अपनी जान माल की रक्षा के लिए जिन चीजों को आईपीसी ने जिस अधिकार को हमें प्रदान किया है उसका नाम है, उसी को हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के नाम से जानते हैं। और इसका अध्ययन हम अपनी अब अगली कक्षा में करेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है और किस किस दशा में हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है, किस किस दशा में हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, इसकी चर्चा आज अब हम अपनी आगामी कक्षा में करेंगे। और तब तक आप आईपीसी में जो बातें यहां पे बतलाई गई हैं उसको पढ़ते रहें, समझते रहें, एक एक विषय को, एक एक धारा को, एक एक टॉपिक को। यदि किसी भी धारा के संबंध में कोई भी बातें आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। यदि वीडियो जो चल रहा है उसमें आवाज संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हैं, कोई डाउट्स हो आपके मन में उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सवाल हो आपके मन में आप कर सकते हैं और उसका मैं सवाल का आपके जवाब दूंगा। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, आप हमारे अगले विषय प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।